विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं विज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन लेकर के आपके सामने आया हूँ। बुजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुँचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए भागता हुआ गया। कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने इससे पूछा, वह हाँ क्यों रहा है? बोझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बोझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं कि बुजो के दादा दादी काफ़ी लंबे अरसे के बाद, यानी कि एक साल के बाद में शहर आ रहे थे। बुजो उनसे मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसलिए वह उनसे शीघ्र से शीघ्र मिलने के चक्कर में बस स्टैंड गया उनको लेने के लिए और भागता हुआ गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। बुजो ने सोचा कि आखिर उसकी सांसें इतनी तेज़ी से क्यों चल रही है। उसके भागने पर उसकी सांसें क्यों फूलने लगी। हम श्वसन क्यों करते हैं? अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों में बने रहते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक को क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अनंत प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जितने भी जीव होते हैं उनमें सभी में कोशिकीय श्वसन होता है। एक बार पुनः देखेंगे, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए यहां अंडरलाइन करेंगे, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जो सभी जीव होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों से बनते हैं और जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव की क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका
निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करती है। देखेंगे, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको देना है जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आपको कहना है कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो, आप ध्यान दें इधर बच्चों, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि हमें खाना खाते सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहां से, क्या आप जानते हैं कि ऊर्जा कहां से आती है? देखा होगा आपने, क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यहाँ नोट करेंगे इसी पॉइंट को, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे बच्चों, श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जितनी हमने सांस ली थी उससे अधिक इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की मात्रा बाहर निकलती है। इस वायु में सांस द्वारा ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अनंत प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका कोश के श्वसन कहते हैं। देखेंगे इधर, जिस वायु श्वास अंदर लेते हैं उसे उपस्थित है। हम जिस वायु को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के सभी भागों को अनंत प्रत्येक कोशिका में ले जाती है। शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सबके अंदर ले जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायक होती है। कोशिकाओं में जब यह ऑक्सीजन जाती है तो भोजन के विखंडन में सहायक होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, इसका उत्तर देंगे आप, के जिस वायु को श्वास द्वारा अंदर ले हम जिस वायु को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोश के श्वसन कहते हैं।
सभी जीवों की कोशिकाओं में कोष के शोषण होता है, सभी जीवों की कोशिकाओं में कोष के शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय शोषण कहलाता है। देखेंगे इधर, जब ग्लूकोज का विखंडन, इसको अंडरलाइन करेंगे, ऑक्सीजन के उपयोग में के द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन किसे कहलाता है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। आगे आप करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, यदि आपसे पूछे जाए कि शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या भोजन विखंडित हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है, भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है, यानी बिना वायु का श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मित होती है, भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मित होती है। संभवतः आपको मालूम हो गया होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाती है। जैसा कि नीचे समीकरण द्वारा समझाया गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या मतलब था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बटा हुआ हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन यह ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वाहन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ग्लूकोज बराबर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बटावा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक कट अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर में की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने पर से रक्त का संचार बढ़ जाता है? इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। श्वसन, इस क्रियाकलाप को अपने नथुनों और मुख को कस करके बंद कर लीजिए और घड़ी को देखिए, आप कितनी देर तक
इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब आप अपनी सांस को रोक रख सकते हैं। भोजन ने नोट किया कि कुछ देर तक सांस रोकने रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। देखेंगे यहाँ श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो जीव के प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा श्वास का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या आप अपनी श्वसन दर बता सकते हैं? क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती है रहती है? आइए हम आपको बता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप कर रहे हैं सामान्यतः यह अभ्यास या आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठ करके सांस लीजिए छोड़िए पता लगाइए कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद श्वसन दर श्वसन संख्या / मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपने श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलापों में से आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो तेजी से श्वसन करने लग है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मित होती है। क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब आप उनिंदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है? देखिए बच्चों, जब हम
सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से अंतर्गत ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सामान्यतः हम एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार छोड़ रहे हैं, इसका क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। जब हम तेज दौड़ेंगे तो हमारी शेष सांस कितनी तेज चल जाएगी, कोई व्यायाम करेंगे या कोई वजन उठाएंगे तो हमारा सांस कितनी तेज होगी। कोई व्यस्त व्यक्ति विश्राम की अवस्था में एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि एक गहरी सांस भी लेते हैं, इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। देखिए इस क्रियाकलाप को तीन को हम कल करेंगे। मैं आपको दो तीन प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको करने हैं। अंतर्श्वसन और उच्छ्वसन किसे कहते हैं? एक प्रश्न है आपका अंतर्श्वसन और उच्छ्वसन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों प्रश्न है आपके जो दो तीन हल करने हैं वो आपको इस पे करने हैं। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? एक प्रश्न और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न बन रहा है आपका अंतःश्वसन और उच्छ्वसन किसे कहते हैं। इन चारों प्रश्नों का आपको उत्तर लिख करके लाना है, अपनी नोटबुक की कॉपी में लिखना है। कल फिर मिलेंगे हम आपसे इसी समय पर। आज 7 दिसंबर है, कल 8 दिसंबर को अपन फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।